मेरे प्यारे भाइयों और मोहतरम बहनों, ये दुआ बहुत प्यारी है। इसे सुकून से सुने और दिल में आमीन कहें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि दूसरे लोगों की आमीन से अपनी दुआ कबूल हो जाए। आमीन। और अगर आप हमारी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट्स में अपना नाम लिख दें। अए अल्लाह रब्बुल इज्जत, अए सारी कायनात के शहंशाह, अए सारी मखलूक के पालने वाले, अए जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, अए आसमानों और जमीनों के मालिक, अए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, अए इंसानों और जिन्नात के माबूद, अए अरशे अजीम के मालिक, अए फरिश्तों के माबूद, अए इज्जत व जिल्लत के मालिक, अए बीमारों को शिफा देने वाले, अए बादशाहों के बादशाह, अए अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। अए अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों खताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। अए अल्लाह रब्बुल इज्जत हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। अए अल्लाह हम गुनहगार हैं, स्याहकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, ना शुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं। हमारे माबूद हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ फरमा दे। अए अल्लाह पाक हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। अए अल्लाह ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राजी हो जाए, जिंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमा जिन आमालों से तू राजी हो जाए, हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक कता फरमा जिस जिंदगी से तू राजी हो जाए, ईमान पे जिंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। अए अल्लाह हमें तेरे अहकाम की फरमा बरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नेक और पाकीजा आदाब को अपने वाला बना दे। अए अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। अए अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा। अए अल्लाह।